स्टार्टअप्स के बुरे दिन जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अभी एडटेक कंपनियां भारी छटनियों, फंडिंग सूखने और कारोबार बंद होने का सामना कर ही रही थी कि फिनटेक कंपनियों पर गाज गिर पड़ी। रिजर्व बैंक ने फिनटेक को प्रीपेड कार्ड और वॉलेट्स के लिए क्रेडिट लाइन देने या कहिए कि कर्ज देने से रोक दिया है। इसी 20 जून को RBI का इस बाबत एक नोटिफिकेशन आया और मानो फिनटेक की सांसें ही अटक गई। लेजीपे, जुपिटर, FI, UNI, अर्ली सैलरी समेत दर्जनों फिनटेक स्टार्टअप्स का पूरा धंधा ही इस तरह के क्रेडिट बांटने पर टिका हुआ है। अब कारोबारी मॉडल खतरे में आ गया तो इनके अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। जब कमाई नहीं होगी तो ले ऑफ और इन स्टार्टअप के शटर भी गिरने शुरू हो सकते हैं। रिजर्व बैंक की सख्ती के पीछे सरकार का पूरा सपोर्ट है, लेकिन बात ये उठ रही है कि आखिर अचानक से फिनटेक पर ये चाबुक चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं। दरअसल बैंक RBI के सामने ये चिंता जता चुके हैं कि कर्ज देने में ये फिनटेक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। रिजर्व बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग का भी खतरा दिख रहा है। माना यह भी जा रहा है कि ये फिनटेक अपने दिए जा रहे सभी कर्जों का खुलासा नहीं कर रहे हैं, यानी कर्जों की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। KYC जैसे बेहद अहम नियमों के उल्लंघन की बातें भी सामने आ रही हैं। हाल के वक्त में जिस तरह से इन फिनटेक कंपनियों का कारोबार बढ़ा है, उससे ये डर भी पैदा हो रहा है कि ये फर्म बिना किसी सेफगार्ड के लेंडिंग के धंधे में है। आगे चलकर कोई बड़ा बवाल हो उससे पहले ही इन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। ये किन शर्तों पर कर्ज दे रही हैं, इनके क्या नियम कायदे हैं, ये कुछ भी तय नहीं है। RBI के फिनटेक कंपनियों पर शिकंजा कसने की एक और वजह है, और वो है इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप्स की मनमानी। तमाम कोशिशों के बावजूद इनके खिलाफ शिकायतें आना जारी है। लोगों के साथ बदसलूकी, कर्ज चुकाने के बावजूद परेशान किए जाने की खबरें रुक नहीं रही हैं। इस सख्ती के बाद अब फिनटेक कंपनियों के हाथ पैर ढीले पड़ गए हैं और वे सरकार और रिजर्व बैंक से गुजारिशों में लगी हुई हैं। खैर, बात यह आती है कि आखिर आगे का रास्ता क्या है। तो माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा के बाद इस सेक्टर के लिए एक व्यापक रेगुलेशन ला सकता है। तब तक इन फिनटेक स्टार्टअप्स को एक मुश्किल दौर से गुजरने के लिए तैयार रहना होगा। मरीनाइन के लिए प्रवीण शर्मा।